नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद से विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों के झारखंड वापस आने का सिलसिला जारी है। अब तक जिले में 275 श्रमिक वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों श्रमिक और नागरिक बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं। घर वापस आने को लेकर उनके मन में छटपटाहट है। सबको वापस लाना एक चुनौती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है सबके वापस आने के बाद जिला को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रख पाना, जो कि अभी तक संक्रमण मुक्त जिला है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र सहित दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहां झारखंड के लोग फंसे हुए हैं। हेमंत सरकार ने फंसे हुए श्रमिकों को लाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह शुरुआत है। बड़ी संख्या में लोगों का आना बाकी है। आने के बाद सबकी कोविड-19 के संक्रमण की जांच होती है तो ज्यादा बेहतर होता, मात्र स्क्रीनिंग से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। दूसरी समस्या यह है कि सरकार और प्रशासन के होम क्वारंटाइन और शारीरिक दूरी का कितना पालन हो पाएगा। करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन में फंसे लोगों के सब्र का बांध भर चुका है। मौका मिलते ही सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी जा रही है। सरकार और प्रशासन को इन सारी बातों पर एक बार गंभीरता से जरूर विचार करना चाहिए। अब तक कहां से कितने लोग पश्चिमी सिंहभूम वापस लौटे हैं, जरा उसे भी जान लीजिए। सोमवार को दिन में और रात में मिलाकर कुल 127 व्यक्ति अन्य राज्यों से लौटे हैं। अब तक की कुल संख्या 275 है। उड़ीसा के अंगुल से 15 और जाजपुर से 13 श्रमिक लौटे हैं। केरल के कालीकट से 5 व्यक्ति ट्रेन से लौटे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से 80 श्रमिक ट्रेन के जरिए हटिया और फिर बस से चैबासा पहुंचे हैं। सबकी स्क्रीनिंग करने के बाद होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश के साथ घरों तक पहुंचा दिया गया है। मंगलवार को भी दूसरे राज्यों से श्रमिक वापस लौटे। जिला प्रशासन ने जगन्नाथपुर के रसेल विद्यालय में भी रिसीविंग सेंटर बनाया है, जिसका संचालन SDO स्मिता कुमारी कर रही हैं। यहां आज 64 श्रमिकों को रिसीव किया गया और फिर उनके घर भेजा गया। चैबासा ITI में बने रिसीविंग सेंटर में आज उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले से 25 श्रमिकों को लाया गया। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें घर पहुँचाया गया। किरीबुरु थाना में करमपदा गांव में मंगलवार को पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद खुद को CRPF कैंप में जाकर आपबीती सुनाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे की है। करमपदा निवासी सोवियन मेंगरा झंडीबुरु प्राइवेट खदान में काम करता था। खदान बंद होने के कारण वह बेरोजगार हो गया। उसके बाद उड़ीसा में सोवियन मजदूरी का काम करने लगा, जबकि पत्नी रोशनी मेंगरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील बनाने का काम करती थी। मंगलवार की सुबह 9 बजे दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि सोवियन ने पत्नी की पिटाई कर अधमरा कर दिया। पत्नी को अधमरा करने के बाद कहीं से नशापान कर दोपहर में घर लौटा और पहले से अधमरा पत्नी के सर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर हत्या कर दी। किरीबुरु पुलिस ने शव को कब्जे में कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। कोल्हान प्रमंडल के उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थाना में पुलिस सभा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस सभा में जवान और पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए सुझाव दिया गया। जिले के पांड्रासाली OP नौमुंडी कराईकेला पुलिस केंद्र चैबासा जिपानी और मुफसिल थाना में पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पुलिस पदाधिकारियों की समस्या को सुना गया और सभी को कोविड-19 विधि व्यवस्था संधारण सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए खुद को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक दिन शरीर का तापमान जांच करने का भी सुझाव दिया गया। पुलिस सभा में जवान और पदाधिकारी की समस्या सुनने के बाद उनकी समस्या का समाधान करने का भी प्रयास किया गया। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए लगातार ड्यूटी कर रहे जवान की मनस्थिति को जानने के लिए DIG के निर्देश पर यह पहल की गई थी। झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुभारंभ किए गए
तीन बड़ी योजनाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सर चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शुभारंभ किए गए तीनों योजना गांव के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। विधायक ने कहा है कि राज्य के लोगों के लिए जो योजना होनी चाहिए ऐसी ही योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा तीन योजना के माध्यम से 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा है। इससे करीब 20,000 करोड़ रुपए लाखों श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होगा। उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने राज्य के लोगों में खेल प्रतिभा को देखते हुए खेल मैदान बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के माध्यम से 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भी सरकार की इस योजना को अनूठी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती को जो चाहिए उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा है। दीपक बिरुवा ने कहा कि यह तीनों योजना झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। जो लोग दूसरे राज्यों में काम करने गए थे और वे अपने घर वापस लौटे हैं, ऐसे बेरोजगार युवक युवतियों को अपने गांव में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 3 में और कड़ाई करने की तैयारी की है। आज सरकार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी जिलों को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने भले ही कुछ शर्तों पर कुछ चीजों के लिए छूट दे रखी है, लेकिन झारखंड में इस तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अन्य राज्यों में फंसे लोग झारखंड वापस लौट रहे हैं और इस कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि राज्य सरकार ने किसी तरह के अतिरिक्त छूट को नहीं देने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक घर से निकलने पर पूरी पाबंदी रहेगी। धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि किसी को बाहर देखा गया तो उस घर के जिम्मेदार व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि शाम को 7 बजे के बाद यदि कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल सुरक्षा के लिए निकलने वालों को छूट मिलेगी। उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न राज्यों से लोगों की वापसी हो रही है। जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। ऐसे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश के साथ छोड़ा जाएगा। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा जा चुका है, जरूरी हुआ तो उनकी भी जांच कराई जाएगी। एचआरडी के सेक्रेटरी महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी सभी और राज्य के डीजीपी साहब सभी के द्वारा एक डिटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है। जिला के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, उप विकास सहायक सभी के साथ और जो रिलैक्सेशन के संबंध में जो गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें ये क्लियर डायरेक्शन हम लोग को प्राप्त हुआ है। किसी भी परिस्थिति में कोई एडिशनल रिलैक्सेशन नहीं देना है। यानी 1 मई को जो ऑर्डर भारत सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें जितने रिस्ट्रिक्शंस होगा वो रिस्ट्रिक्शंस का अनुपालन हम लोगों को करना पड़ेगा और जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसका एडिशनल रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो भी इंटरस्टेट जो दूसरे जगह से खास करके रेड जोन से जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको सभी को कोरोना टेस्ट कराने के संबंध में इसी तरह उनको कोई स्टेट क्वारंटाइन में रखते हुए टेस्ट होने के उपरांत उनको अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन करने के लिए और कुछ लोगों को अगर होम क्वारंटाइन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उनको भी टेस्टिंग कराने के संबंध में दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया और कोई भी ऐसा कोई सारी ILI जो सीवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज अगर हैं या इन्फ्लुएंजा लाइक अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वैसे व्यक्तियों को विशेषकर
आइसोलेट करते हुए जांच कराने का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसी तरह शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक एसेंशियल कार्य छोड़कर किसी को बाहर नहीं आना है, विशेषकर मेडिकल इमरजेंसी वैसे परिस्थिति छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति जो सरकारी ड्यूटी में है वैसे लोगों को छोड़कर अन्य व्यक्ति किसी को बाहर नहीं आना है। इसी के तहत 144 के तहत कर्फ्यू का भी आदेश देने का निर्देश उनके द्वारा हमको मिला है। इसी तरह जो 65 साल उम्र से ज़्यादा व्यक्ति या 10 साल से छोटे बच्चे, इसी तरह जो कोमॉर्बिडिटी जिन व्यक्तियों में ज़्यादा बाहर नहीं आना है घर से, होम क्वारंटाइन होकर रहना है उनको, जब तक लॉकडाउन रहेगा वो घर से बाहर नहीं निकले। विशेष परिस्थिति में मान लीजिए वही व्यक्ति अगर रहते हैं तो एसेंशियल कार्य के लिए वो बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी रोड पे भी 65 साल प्लस व्यक्ति अगर कोई दिखते हैं या कोई छोटे बच्चे दिखते हैं तो संबंधित जो पेरेंट्स होंगे या संबंधित घर वाले होंगे उनसे भी पूछताछ किया जाएगा किस परिस्थिति में वो बाहर निकले हैं। कोई अगर 7 बजे के बाद, रात में 7 बजे के बाद कोई एसेंशियल या मेडिकल कार्य छोड़कर अगर बाहर निकलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। विशेषकर कोई वाहन का इस्तेमाल बिना कोई पास का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं के लिए बाहर निकलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोग उठा। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।